गॉडविल लर्नर्स में आपका स्वागत है। पहली वीडियो में आपको बताया कि हम व्याख्या किस प्रकार करते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने उसका लाभ उठाया होगा। अब सेकंड क्लास में हम आपको पवन दुति का जो पाठ चल रहा है उसका अर्थ समझा रहे हैं, और जो लिखित के नोट्स हैं वे आपको वेबसाइट पर, विद्यालय की वेबसाइट www.godwillintercollegekirthal.com पर उपलब्ध हैं। आप समय का सदुपयोग करते हुए लिखित काम वेबसाइट से, और जो समझाने का काम है, समझने का काम है, वो यूट्यूब चैनल से साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि ये समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब समय चला जाता है तो फिर हाथ कुछ नहीं आता है। आपके अध्यापक लोग, आपके गुरुजन आपके लिए इसी प्रकार मेहनत में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चों का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, इन विषयों के नोट्स कक्षा 10 व 12 के वे वीडियो क्लासेस आपके चैनल पर डाल दी गई हैं। आप डेली उनका सदुपयोग करें। परसों हमने पवन दूतिका में पढ़ा था कि किस प्रकार राधा जी कृष्ण जी के विरह में दुखी हैं, और जैसे जैसे ही सुबह की हवा उनके घर में प्रवेश करती है तो वे हवा से वार्तालाप करती हुई इस प्रकार कहती हैं। अब आगे की बारे में, वे हवा को किस प्रकार कहती हैं, मेरे प्यार नव जलद से कंच से नेत्र वाले, यानी मेरा जो प्यार है, मेरे जो स्वामी है श्री कृष्ण, उनकी आंखें कैसी हैं, कमल के समान है, कंच से नेत्र वाले, यानी जलद से, कमल से, कंच कहते हैं बड़ी 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 आंखों वाले हैं। जाके आए न मधुबन से, जब से मधुबन से गए हैं, यहां हमें छोड़कर के गए हैं, वे वापस नहीं आए हैं, न ही उन्होंने किसी प्रकार का हमारे पास कोई संदेश भेजा है, और न भेजा संदेशा, यानी जब से वे गए हैं उन्होंने हमारे पास किसी प्रकार का कोई संदेश भी नहीं भेजा है। और मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो जा रही हूं, मैं अपने स्वामी के विरह में दुखी होकर, उनकी याद में तड़प कर रोती रोती जो है पागल होती जा रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तो सुनाना, कि हवा तो सीधी यहां से श्री कृष्ण के पास जाना, और मेरा जो कष्ट है, मेरा जो दुख है, वो जाकर के श्री राम को तो अच्छी प्रकार से समझाना। जो ही मेरा भवन तज तज कहते छोड़कर, जैसे ही तू मेरे इस घर को छोड़कर आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी, अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प कहते थोड़ा थोड़ा आगे जाएगी, तो क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, यानी शोभा वाली सुंदरता न जाने कितनी कुंजे, यानी विभिन्न प्रकार के बाग बागीचे तुझे यहाँ मिलेंगी। जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर के जाएगी तो तुझे बाहर न जाने कितने बागीचे, कितने कुंज, कितने लताए वाले बाग बगीचे तुझे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोलेगी तुझे वे, उनकी मन को मोने वाली छाया तुझे वहां आकर्षित करने की कोशिश करेगी, तेरे मन को मोहित करने की भी कोशिश करेंगी। पर तू मेरा दुख लख लख कहते देखकर, तुझे मेरा दुख याद रखना है, उस दुख को देखकर रहना है, और वहां विश्राम लेना, न विश्राम लेना, उस बागीचे में तुझे किसी प्रकार का भी कोई विश्राम नहीं करना है, आराम नहीं करना है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल शांत मन से आप एक शब्द का अगर ध्यान देंगे और साथ साथ रिपीट करेंगे तो आपको इसको याद करने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। मेरे प्यार नवद जल, यानी मेरे प्यारे, नव कहते हैं नए, जलद कहते हैं बादल, कंच कहते हैं बड़े बड़े नेत्र सुंदर वाले, कमल के समान मेरे प्यारे स्वामी बादल के समान दिखाई देंगे, और उनकी आंखें कमल के समान बड़ी बड़ी हैं,
जाके आई ने मधुबन से, उन्हें भेजा संदेशा। जब से वे मधुबन को छोड़कर के गए हैं, उन्होंने न कोई संदेशा भेजा है और न कोई वहां से कोई किसी प्रकार की हमारे रहने की, हमारे दुख की उन्होंने खबर ली है। और उनके विरह में मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। मैं अपने स्वामी के विरह में उनकी याद में तड़प तड़प कर जो है बावली होती जा रही हूँ। जाके मेरे सब दुख कथा श्री राम को सुनाना। हे हवा, जितने भी मैं अपने दुख तुझे बता रही हूँ, मेरे दुखों को जाकर के तुम श्री राम कृष्ण से सुनाना। जो ही मेरा भवन तज, तज कहते हैं छोड़कर, जैसे ही तुझ मेरे घर को छोड़कर कहाँ जाएगी, आगे बढ़ेगी, तो तुझे क्या मिलेगा? अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी, बड़े शोभायमान सुंदर बागीचे तुझे मिलेंगे, कई बागीचे तुझे मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोलेगी तुझे, उनकी गहरी घनेरी छाया तुझे जो है मोहित करने की कोशिश करेंगी। परंतु हे हवा, तुझे मेरे दुखों को याद करना है और उन पर मोहित होकर के नहीं रह जाना है, तुझे आगे बढ़ते जाना है। थोड़ा आगे सरस रव धाम सप्त कुश वाला, और उससे जैसे तो थोड़ा आगे जाएगी, जिस वन में सैकड़ों प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं, वो सप्त पुष्प वाला जिसमें सैकड़ों प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं, अच्छे अच्छे बहुद्रुम बहुत सुंदर सुंदर, बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे सौंदर्यशाली, जिनका सौंदर्य देखते ही मन को मोहित करने लगता है, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वह वृंदावन मन को मोहने वाला बागीचा तुझे मिलेगा। आना जाना इस विपिन में, इस बागीचे में तुम खूब आगे घूमना, इधर उधर घूमना, परंतु क्या करना, मुग्धकारी मिलेगा, यानी वो मन को मोहने वाला बागीचा तुझे मिलेगा। इसमें आना जाना विपिन मुंह माया न होना, इस बागीचे में तुम खूब घूमना, परंतु उस बागीचे की होकर के मत रह जाना। जाते जाते अगर पथ पे, अगर तुझे तुझे रास्ते में जाते जाते कोई क्या दिखाई दे, क्लांत कोई दिखाई दे, क्लांत कहते गर्मी से परेशान दुखी थका हुआ, यानी अगर जाते जाते तुझे थका हुआ व्यक्ति को रास्ते में दिखाई दे तो तुझे क्या करना है, तो जाके सन्निट 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 कहते पास, तुझे तो उसके पास जाकर के क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को दूर करना है, उसकी थकावट को दूर कर देना है। धीरे धीरे परस करके उसके दाद उत्ताप खोना, धीरे धीरे उसके शरीर को छू करके उसके शरीर की जो थकावट है उसे बिल्कुल समाप्त कर देना, उसे बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में कर देना। सदगंधों से शर्मित जन को हर्षित सा बनाना, जो शर्मित थके हुए हैं अपनी सुगंधित हवा से उनको छू करके उन्हें फिर से जो है प्रफुल्लित कर देना। हे हवा, जैसे ही तू मेरे घर को छोड़ करके तू आगे बढ़ेगी, तुझे वो वृंदावन मिलेगा जिसमें सैकड़ों प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे एक से एक ऊंचे लताएं हैं, पेड़ हैं, वो वृंदावन मन को मोहने की तेरी कोशिश करेगा, तो उस वृंदावन में आना जाना घूमना, परंतु उस वृंदावन की होकर के मत रह जाना, क्योंकि तुझे आगे बढ़ना है और मेरे दुखों को श्री कृष्ण को जाकर के बताना है। उस रास्ते में अगर कोई तुझे थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उस थके व्यक्ति के पास जाकर के उसके शरीर को छू करके उसकी थकान को तुझे दूर करना है, उसे प्रसन्नचित करना है, अपनी सुगंधित हवा से उसे जो है प्रसन्नचित करना है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्या आपकी समझ में आई होगी, एक दो बार इसे पढ़े रिपीट करें और साथ साथ इसके अर्थ को संदर्भ सहित प्रसंग सहित अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करें। संदर्भ में वही बात आएगी कि पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पवन दूती का नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, इसके कवि कौन है, सुमित्रा नंदन और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। उन्होंने कैसा वर्णन किया है, राधा के विरह का वर्णन किया है, किस प्रकार राधा हवा को अपना दूत बनाती है और उस दूत के माध्यम से अपना संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचाना चाहती है। धन्यवाद।